साथियों नमस्कार। आप सब युवाओं को पता है राजस्थान में पिछले 20 सालों से लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधलेबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार युवा छात्रों के साथ में अभी तक भी इस अन्याय को लेकर कोई भी सरकार ठोस कदम उठा नहीं पाई है। युवाओं के साथ में लगातार अन्याय हो रहे हैं, लेकिन सरकारें आती है, सरकारें जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेरोजगार युवाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है इसको लेके कुछ किया जाए। साथियों आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में जो एसओजी जांच कर रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की, उस भर्ती परीक्षा में इतने बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ। आपने देखा होगा जयपुर में रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक होता है और पेपर की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी जाती है और पूरा पेपर एग्जाम से पहले लीक हो जाता है। तब एसओजी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि ये पेपर लीक हुआ है। उसके बावजूद भी जो राजस्थान की वर्तमान सरकार है जो लगातार कह रही है कि हम युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ में खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी, जब एसओजी ने पुष्टि कर दी है आपने एसआईटी का गठन किया, एसओजी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जब सारे सबूत मिल चुके हैं तो आप इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हो जिसमें करीबन 400-500 लोग फर्जी तरीके से लगे हैं और कोई भी तकनीक आपके पास ऐसी नहीं है कि आप बता सको कि कौन ईमानदारी से है कौन बेईमानी से है। मैं राजस्थान के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, अगर आप अपने हक की आवाज में कभी साथ खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ में राजस्थान में ऐसे अन्याय होते रहेंगे। हम चाहते हैं साथियों कि ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है इसको सरकार रद्द करे, क्योंकि अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होगी तो उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने इतनी मेहनत करके परीक्षा दी थी और जो गलत तरीके से फर्जी तरीके से अगर इस सिस्टम में जो थानेदार लग जाएंगे तो आप एक बार सोच के देखिए कि जनता के साथ में क्या न्याय करेंगे। क्योंकि एक थानेदार लगता है तो वो एडिशनल एसपी से रिटायर होता है, पूरे सिस्टम को बेच खाएंगे और जिन लोगों की जगह आप होने चाहिए थे आज वो फर्जी थानेदार आरपीएम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 32 लोगों के एसओजी ने पकड़ा भी है, लेकिन बात वही है कि जांचें तो राजस्थान में पिछले 10 सालों से चल रही है, लेकिन जांचों का हुआ क्या है? जांचें चलती रहेंगी, कुछ होगा नहीं और युवाओं को इसी प्रकार से बेवकूफ बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव निकल जाएंगे उसके बाद में युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों इसी मामले को लेके कल पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर तो नारायण सिंह सर्किल पर है, वह प्रेस वार्ता का आयोजन रखा है 12 बजे। मेरा राजस्थान के सभी युवाओं से निवेदन है, सभी युवाओं से आह्वान है, अगर आज आप इस आवाज को बुलंद नहीं करते हो तो राजस्थान में आने वाले समय में आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास धन बल होगा, वही लोग नौकरी लगेंगे, क्योंकि आपको नंबर तो आएगा नहीं। साथियों इसलिए मैं कह रहा हूँ आप साथ दीजिए, साथ खड़े हुई और कल हम प्रेस वार्ता करके सरकार से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करते हो तो आप भूल जाना कि लोकसभा चुनाव में ये बेरोजगार आपकी सरकार को बीजेपी सरकार को वोट करेंगे। तो राजस्थान का युवा इतना मूर्ख नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आपने छोटी सी जांच करी और अब जांच करने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे, आपसे सीधा निवेदन है आप इस भर्ती को रद्द करिए, तभी बेरोजगार युवाओं को लगेगा कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। नहीं लोकसभा चुनाव में मैं आह्वान करना चाहता हूँ राजस्थान के सभी युवाओं से, अगर सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो राजस्थान का कोई भी युवा इस बीजेपी की सरकार को वोट नहीं करेगा मेरे साथियों। इसलिए सभी युवा साथी कल 12 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में जरूर पहुंचे और अपने हक की आवाज को जरूर बुलंद करें, जिससे सरकार तक हमारा मैसेज पहुंच सके कि अगर युवाओं के काम नहीं तो युवा वोट भी नहीं देंगे। सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में मेरे साथियों आप लोगों की है, और आप लोग अगर यूं चुप बैठे रहोगे, यूं खामोश बैठे रहोगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी भी बहुत कुछ समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है लड़ाई को लेके, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में साथियों हम मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे इस लड़ाई को जीता जाए। सभी साथियों का धन्यवाद। अरे आ जाओ सर, 2 मिनट के लिए आ जाओ भाई, निवेदन आप लोगों से।